चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में एक कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया है। ठीक है जी, क्वेश्चन का स्टेटमेंट है इफ द इमेजरी पार्ट ऑफ 2z+1 अपॉन में i(z+1) इज -2 देन सो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ रिप्रेजेंटिंग जेड इन आर्गेंट प्लेन इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजरी पार्ट -2 है तो हमें प्रूफ करना है कि लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस ऑफ पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसी इक्वेशन जिसको वो पॉइंट सेटिस्फाई करता है। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग जेड इन आर्गेंट प्लेन, आर्गेंट प्लेन होता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाने के लिए यूज होता है, मतलब जिस पर रियल और इमेजिनरी लाइन होती है, वो हमें स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना है। मतलब जो इक्वेशन आएगी हमारी इसको सॉल्व करते टाइम करने के बाद वो हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आएगी। ठीक है जी, तो देखो सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आईटा वाई, तो हमें दे रखा है 2z+1 अपॉन में i(z+1, इसको सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे 2z की जगह पे x प्लस i(y+1 अपॉन में z की वैल्यू x प्लस i(y+1 तो आएगा 2x+2y(i(1) होल अपॉन में i(x+i)2y+1, i(2) की जगह पे आ गया -1। अब यहाँ पे रियल पार्ट को एक साथ लिखो, 2x+1 को एक साथ लिख देते हैं, 2x+1 प्लस का 2y(i) होल अपॉन में i(2) तो -1 हो गया, तो 1 - y एक साथ रियल और प्लस का i(x) एक साथ इमेज। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसमें रेशनलाइज कराएंगे 1 - y प्लस -i(x) से अपॉन में 1 - y - i(x) इसके अपोजिट साइन से। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा, तो क्योंकि हम मल्टीप्लाई कराने हैं तो इसकी मल्टीप्लाई से भी तो आएगा 2x+1 इंटू में 1 - y फिर माइनस का i(x) और 2x+1 फिर प्लस का 2y 1 - y(i) फिर माइनस का 2xy(i) का स्क्वायर होल अपॉन में 1 - y का स्क्वायर a+b a - b² -i(x) का होल स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 2x माइनस का 2xy प्लस का 1 - y माइनस का 2x² आइटा माइनस का i(x), यहाँ पे आएगा प्लस का 2y(i) माइनस का 2y² प्लस का 2xy(i² -1 हो गया, तो -- प्लस आ गया। ठीक है, यहाँ पे आएगा 1 - y² और प्लस का x² क्योंकि i(2) -1 होता है। ठीक है, इसमें देखते हैं कुछ कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं हो रहा। रियल पार्ट को अलग कर दो, देखो यहाँ पे रियल है 2x, 2x को लिख दिया, फिर इसके बाद माइनस का 2xy से 2xy कट गया और प्लस का 1 - y, फिर इसमें इन सब में आपका इमेजरी आ रहा है ना, तो यहाँ पे आइटा को मन लूँगा तो ये आ जाएगा माइनस का 2x² माइनस का x प्लस का 2y माइनस का 2y² और होल अपॉन में 1 - y का होल स्क्वायर प्लस x², ये हमारे पास आ गया 2z+1 अपॉन में i(z+1। ठीक है, अब इसने बोला है कि इसका जो रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, वो कितना है, माइनस का 2 है, तो इसमें देखो ये वाला हो गया रियल, ये अपॉन में हो गया रियल और ये अपॉन में हो गया इमेजिनरी। चलो लिख देते हैं इसको 2x+1 - y अपॉन में 1 - y² प्लस x² और प्लस का माइनस का 2x² माइनस x प्लस का 2y माइनस 2y² अपॉन में 1 - y² प्लस x² इंटू माइटा। अब ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है 2z+1 अपॉन में i(z+1 का। अब इसने बोला है इमेजिनरी पार्ट इसका कितना है, -2 है, तो इमेजिनरी ऑफ 2z+1 अपॉन में i(z+1 क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू मतलब माइनस का 2x² माइनस x प्लस 2y माइनस 2y² अपॉन में 1 - y² प्लस x² ये हमें दे रखा है इज इक्वल टू -2। अब इसकी इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है, देखो इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे, यहाँ पे आ गया माइनस का 2x² माइनस x प्लस का 2y
माइनस का टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का टू, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर करूँगा तो आएगा वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस का टू वाई और प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस टू को मल्टीप्लाई कराएंगे आएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का टू वाई माइनस टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का टू माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस का फोर वाई माइनस टू एक्स स्क्वायर, माइनस टू एक्स स्क्वायर से माइनस टू एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस टू वाई स्क्वायर से माइनस टू वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है। इसके बाद अगर हम एक्स को उधर लेके जाते हैं तो आएगा प्लस एक्स, टू वाई को उधर लेके जाएंगे तो आएगा टू वाई, तो आएगा एक्स प्लस का टू वाई, इस माइनस टू को इस तरफ लेके जाएंगे तो इज इक्वल टू आएगा टू, इसको सॉल्व करके आ गया एक्स प्लस का टू वाई इज इक्वल टू टू, जो कि इक्वेशन किसकी है, स्ट्रेट लाइन की, ठीक है ना, विच इज इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पता लग गया ना कैसे, क्योंकि इसमें एक्स और वाई की पावर कितनी है, वन है, तो ये आपको प्रूफ करना था कि जो इसका लोकस है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन आ गया, ठीक है जी, क्लियर है।